वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है अक्षर पटेल वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अक्षर की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन भी रेस में बताए जा रहे हैं। एशिया कप जीतने के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया को हुआ फायदा। 115 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 115 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। नंबर वन बनने के लिए भारत को देनी होगी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे जीत जाता है तो बन जाएगा वनडे में नंबर वन। मोहाली में 22 सितंबर से खेला जाएगा पहला मैच। एशिया कप खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत खेलेगा 3 मैचों की वनडे सीरीज। पहला मैच 22, दूसरा 24 और तीसरा मुकाबला 27 सितंबर को। वनडे वर्ल्ड कप के लिए भले ही टीम इंडिया का ऐलान हो गया हो, लेकिन अभी कुछ खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट में खेलने के दरवाजे खुले हैं। रोहित ने बताया कि हर कोई लाइन में है। आर अश्विन भी लिस्ट में शामिल है, उनसे फोन पर बात होती है। अश्विन के अलावा वाशिंगटन भी कतार में शामिल। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम का मानना है कि बुमराह को अपनी लय बरकरार रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे खेलने चाहिए। अकरम ने बताया कि बुमराह को 3 मैचों में से कम 2 मैच खेलने चाहिए क्योंकि वो चोट से आ रहे हैं। बुमराह ने एशिया कप में 17 ओवर फेंके थे। ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में हराने के बाद अफ्रीका टीम की बड़ी मुसीबत। तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया और सिसांडा मगाला का वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल। इस हफ्ते होगा दोनों खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। नोकिया के पीठ में दर्द है जबकि मगाला बाएं घुटने के दर्द से परेशान चल रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा झटका। ट्रेविस हेड चोटिल हो गए हैं जिसके बाद हेड के खेलने पर सस्पेंस बन गया है। अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान हेड चोटिल हुए थे। कोच एंड्रू मैकडोनल्ड ने कहा कि 1 महीने में ठीक होगी उंगली में लगी चोट। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में किया बड़ा बदलाव। ओपनिंग बल्लेबाज जेसन रॉय को टीम से बाहर कर हैरी ब्रुक को किया शामिल। जेसन रॉय पीठ की दर्द की वजह से परेशान है। हैरी ब्रुक पर जताया सेलेक्टर्स ने भरोसा। ब्रुक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में बनाए सिर्फ 37 रन। एशियन गेम्स में टीम इंडिया का हिस्सा बनने पर रिंकू सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत को गोल्ड मेडल जिताने के लिए लगाएंगे पूरा दम। रिंकू सिंह ने युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जमकर तारीफ की। कहा, एशियन गेम्स में गायकवाड़ की कप्तानी में खेलना गर्व की बात। एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने कही बड़ी बात। सौरभ गांगुली हुए टीम इंडिया के प्रदर्शन से बेहद खुश। कहा, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत जीत सकता है वनडे वर्ल्ड कप।